हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का घूर्णी गति का फिफ्थ पार्ट, कणों के निकाय एवं घूर्णी गति का पांचवा भाग है। और इससे पहले के वीडियोस आपने देखा होगा तो मैंने अलग अलग टाइप के पिंड का, जो एक निश्चित ज्यामितीय आकृतियों के होते हैं, उनका जड़त्व आघूर्ण का कैलकुलेशन आपको सिखाया, जिसमें पहला हमने देखा था रिंग वलय, फिर दूसरा देखा था हमने राड छड़ का, और आज दो और हम पढ़ेंगे, जिसमें एक पढ़ेंगे डिस्क का और दूसरा पढ़ेंगे बेलन का। डिस्क टू डायमेंशन बॉडी है, उसमें क्षेत्रफल निकालेंगे, और बेलन थ्री डायमेंशन बॉडी है, उसमें आयतन निकालेंगे। तो मैंने फोर कलेक्शन इसीलिए किया, हालांकि 11th क्लास में बहुत से बुक्स में इसका डेरिवेशन दिया नहीं होता, लेकिन आपको जानना जरूरी है, डेरिवेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और उसके बाद बहुत से पिंड ऐसे हैं जिनका हमको डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन आगे चल के आपको नीट और IIT JEE का प्रिपरेशन करना है, तो कम से कम 10-12 पिंड ऐसे हैं जिनके जड़त्व आघूर्ण का आपको जड़त्व आघूर्णों को याद करना पड़ेगा उन पिंडों का, तो न्यूमेरिकल्स में आते हैं। उसके लिए मेरा जो कॉम्पिटिशन पाथमेकर का चैनल है, वहाँ पर मैं आपको कम्प्लीट उसका चार्ट दूंगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसको यूज़ भी करूँगा। यहाँ हम देखेंगे डेरिवेशन। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, आज का हमारा पहला टॉपिक है सर्कुलर डिस्क, जिसको अपन बोलते हैं वृत्तीय चकती, मतलब सर्कुलर डिस्क। ठीक है, वृत्तीय चकती का मतलब है सर्कुलर डिस्क। रिंग और डिस्क में आप डिफरेंस समझते हैं। चकती का मतलब क्या होता है, जैसे सीडी होता है, या जिस तरह से पैक सीडी आप डिस्क समझ सकते हैं। रिंग मतलब जो केवल छल्ला हो, डिस्क मतलब पूरा पैक होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वृत्ति चकती है, और वृत्ति चकती के उसके केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के पैता जड़त्व आघूर्ण की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डिस्क बना लें। देखिए, हम डिस्क इस तरह से बना सकते हैं, डिस्क को हम साइड से देखें तो इस तरह से हमको दिखाई देगा, यह थ्री डायमेंशन फिगर में, और जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो है ये अक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष हमको जड़त्व आघूर्ण निकालना है। क्लियर? इसका कुछ थिकनेस होता है, तो हम यहां पर इसका थिकनेस शो कर देते हैं इस तरह से। ये हम थ्री डायमेंशन बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सपोज इसका थिकनेस है, ये मोटाई हम साइड से उसका देख पा रहे हैं। क्लियर? और इस एक्सिस के अबाउट हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस हमने ले लिया ये इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या को आर ले लिया, ये आर इसकी त्रिज्या है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका मास को कैपिटल एम सपोज कर लिए, सब यहीं पर लिख रहा हूं मैं, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। अब यहां पर इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे, तो जिसके लिए जैसे आपको पिछले के दो टॉपिक आपको यदि आपने ढंग से देखा होगा, तैयार किया होगा, तो सबसे पहले हम अल्पांश के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं, और उस अल्पांश को क्या करते हैं, हम समाकलन करके पूरे पिंड का निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एक और डिस्क, एक रिंग की कल्पना करते हैं। देखो, सपोज इसके अंदर में हमने एक रिंग ले लिया, ये सपोज हमने इसके अंदर में एक रिंग ले लिया, और इस रिंग की मोटाई को, इसका भी कुछ थिकनेस है, तो इसके हम थिकनेस को सपोज यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस, सेंटर से इसका डिस्टेंस एक्स ले लिया, और मतलब इसकी इसका रेडियस एक्स ले लिया, और इसका मोटाई को डी एक्स ले लिया। तो ध्यान से समझना, ये जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रहा है वह डिस्क है, और डिस्क के सेंटर से हमने एक
एक छल्ला ले लिया, एक रिंग ले लिया जिसकी मोटाई को डी एक्स लिया और इसकी त्रिज्या को एक्स ले लिया। क्लियर। अब हमारे कैलकुलेशन का जो स्टेप होगा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने पीछे किया था। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्क के इकाई द्रव्यमान का डिस्क के इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान। क्लियर। तो चकती के इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान। देखो वर्किंग स्टेप सेम टू सेम है। ऐसे ही स्टूडेंट्स जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उनको मेरा सजेशन है कि इनको देखने के पहले, एक्चुअल में थर्ड नंबर का है, मैं नंबर के हिसाब से थर्ड ही लिख देता हूं, दो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उनको देखने के बाद ही आप इसको देखो। यदि आपने वो टॉपिक तैयार नहीं किया है तो आपको नेचुरली बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो सबसे पहले हम चकती के इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान निकालते हैं जो हो जाएगा कैपिटल एम बटे इस चकती का क्षेत्रफल। तो चकती का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये हो गया चकती के इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान। क्लियर। इसके बाद हम निकालेंगे ये जो अल्पांश लिया है dx, इसलिए dx अल्पांश लिख देता हूं मैं, अल्पांश मतलब छोटा पार्ट, dx अल्पांश का द्रव्यमान, ds अल्पांश का द्रव्यमान जिसको हमने स्मॉल dm कह दिया, ये dm से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अल्पांश का द्रव्यमान मतलब छोटा पार्ट का, इसका मेथड ही है, इसका कॉन्सेप्ट ही है। सिर्फ सबसे पहले छोटे पार्ट के लिए निकालते हैं और उसको हम समाकलन करते हैं। तो देखो चकती के इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान इतना था तो अल्पांश का कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एम अपन पाई आर स्क्वायर और इनटू इसके क्षेत्रफल का गुणा करेंगे अल्पांश का। तो अल्पांश का क्षेत्रफल कितना होगा, इसकी मोटाई है डी एक्स और इसकी त्रिज्या है माने परिधि है सॉरी 2πx। तो परिधि में जब उसके मोटाई का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा उसके विड्थ का तो उसका क्षेत्रफल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2πx इसकी परिधि और मोटाई उसका dx। तो ये हो जाएगा dx अल्पांश का द्रव्यमान। यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जितना साल होता है, तो पाई पाई के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 2 को मैंने बाहर लिख दिया तो 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू यहाँ से बचा पाई तो कैंसिल हो गया x इंटू dx। ये हो गया dx अल्पांश का द्रव्यमान। अब हम इस अल्पांश को निकालेंगे जड़त्व आघूर्ण, ये इस अक्ष के सापेक्ष जो यहाँ पर रेड कलर से मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसलिए अल्पांश dx का मैं इंग्लिश में लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ऐसा आप लिख सकते हो। उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है उसको हम di से रिप्रेजेंट करेंगे। di मतलब जहां पर भी डिफरेंशिएट पार्ट लिखा जा रहा है dx dm di, इसका मतलब क्या है, वो छोटे पार्ट के लिए, उसको बाद में समाकलन करेंगे। तो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर। तो m क्या है अपने पास, dm है, ये dm हो जाएगा और इनटू यहां से जो दूरी है ये अल्पांश की दूरी केंद्र से क्या है x, तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर। दैट इक्वल आगे हम dm का वैल्यू यहां पुट कर दें तो 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स एक्स और इसका जो वैल्यू पुट कर दिया हमने dm का, dm का वैल्यू x इंटू डी एक्स और x का इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ये जो हमने निकाला है ये वास्तव में क्या है, अल्पांश के कारण, इस अल्पांश के कारण जड़त्व आघूर्ण है, लेकिन हमको चाहिए क्या है, पूरे चकती का, पूरे डिस्क का चाहिए। अब इसका करेंगे हम समाकलन, ठीक है। इसलिए संपूर्ण चकती का जड़त्व आघूर्ण जिसको हम I कहेंगे, I इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ di। मतलब ये हमने छोटा सा चकती जो लिया, रिंग जो लिया, उसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो पूरी चकती का हमको, क्योंकि ये बहुत से ऐसे छोटे छोटे चकती से मिलके बना हुआ है, तो हम उसका करेंगे पूरा समाकलन और लिमिट होगा जीरो से लेके इसका रेडियस r तक, क्योंकि केंद्र से स्टार्ट करेंगे और r तक जाएंगे तो लिमिट हो जाएगा लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट r।
इस प्रकार से ये जो डी आई हमने लिखा है इसके यदि हम समाकलन कर दें। देखो आप एक चीज़, यदि प्रीवियस टॉपिक आपका तैयार है तो आप देख रहे होंगे कि वर्किंग स्टेप, काम करने का जो तरीका है, सेम टू सेम है, ओनली फार्मूला चेंज हो रहा है। वहाँ हम इकाई लंबाई के लिए निकाले थे, यहाँ हमने इकाई क्षेत्रफल के लिए निकाला। वैसे जब बेलन पढ़ेंगे तो इकाई आयतन के लिए निकालेंगे। कुल मिला के कैलकुलेशन की स्टेप सेम टू सेम है, ओनली डायमेंशन के फार्मूला चेंज हो रहे हैं। दैट इक्वल, अब इसका वैल्यू को हम पुट अप कर दें तो 0 to r, और डी आई का वैल्यू हम ये निकाल के रखे हैं 2m upon r square इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। क्लियर? दैट इक्वल, यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर कर लेते हैं, उसको समाकलन नहीं होगा, तो कांस्टेंट क्वांटिटी है 2m upon r square, और समाकलन होगा सिर्फ किसका, एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर ध्यान रखना, एक्स क्यूब का समाकलन होगा किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो समाकलन क्या होगा, समाकलन आप सबको पता है, समाकलन के चिन्ह को हटा देंगे और ये हो जाएगा x^3+1 = 4 upon 3+1 = 4, और लिमिट हो जाएगा यहाँ 0 to r। दैट इक्वल, अब क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे तो 4 को मैं बाहर करूँगा, 4 को बाहर करूँगी इसके साथ मल्टीप्लाई होके कैंसल आउट होके यहाँ पर हो जाएगा 1/2 m/r² और यहाँ होगा अपर लिमिट r^4 - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देयरफॉर आई इक्वल, अब यहाँ पर आप देखो 1/2 एक r² इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा m r² ये जो फार्मूला हमारा आया ये है चकती के लिए जड़त्व कुंड का फार्मूला i = 1/2 m r², तो ये जो हमारे पास डिस्क है, चकती है, उसका इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व कुंड हो जाएगा i = 1/2 m r². तो मैं यहाँ पर अलग अलग पिंड के जड़त्व कुंड का गणना करना आपको कंप्लीट डेरिवेशन के साथ में समझा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से तैयार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चल के जब आप कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करेंगे तो ये जो स्टेप्स हैं निकालने के, वो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में हेल्प करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स इस चैप्टर में केवल उसका फार्मूला याद कर लेते हैं, तो फार्मूला तो आपको याद करना ही है, लेकिन कुछ टॉपिक के आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए जो 11th स्टैंडर्ड के लिए है। तो चार मैं आपको बता रहा हूँ, रिंग और राड मैं पहले वीडियो में बताया था, और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चकती और सिलेंडर। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा घूर्णी गति का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 पार्ट में मैंने इसको बताया, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। फिर न्यूमेरिकल लेके आऊँगा तो न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन आपको अलग से कराऊँगा। क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को कि मैंने 11th क्लास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए हैं, नीट और IIT JEE को ध्यान में रख के, NDA को ध्यान में रख के, वो मेरे कॉम्पिटिशन पाथ मेकर के जो मेरा नया चैनल है उस पर अवेलेबल है। तो फर्स्ट पार्ट उसमें मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का डाला है, आप वो भी देखिए, और वहाँ से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करिए, 1 by 1 चैप्टर वाइज मैं करते जा रहा हूँ। पढ़ना आपको कैसे है, पहले आप इस चैनल से यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और विमाओं के बारे में फंडामेंटल पढ़ लीजिए, और वहाँ से आप उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लीजिए, तो एक साथ आपका चैप्टर आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पैरेलल तैयार होते जाएगा। ये पढ़ने का तरीका है, पहले यहाँ से और वहाँ से MCQ का प्रैक्टिस। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अनएकेडमी लेके आया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ऑल 6 सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए, मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में पूरा आपका स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन, जिसमें आपको महाराष्ट्र के 50+ टॉप एजुकेटर्स से आपके पढ़ने को मिलेगा। और इस कोर्स में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगे। फ्री क्लासेस आपको लेने हैं तो आप अनएकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, जितेंद्र सर लाइव, ये कोड यूज़ करके आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करके आप हमारे सभी फ्री क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस, बेस्ट स्ट्रेटजी एंड टॉपिक टू क्रैक एग्ज़ाम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, फ्री डेली क्विज, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, लीडर बोर्ड, ये पूरी फैसिलिटी आपको फ्री में मिलेगी। और यदि आपको हमारा फ्री क्लास
पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। आपको इस फ्री क्लास में ये पूरी फैसिलिटी मिलेगी और आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो सिर्फ 250 रुपीज़ पर मंथ पर सब्जेक्ट आपको पेड करने होंगे। और आप यदि हमारा कोड यूज़ करते हैं जितेंद्र सर लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप यदि 10th और 9th क्लास के महाराष्ट्र बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये जरूर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब हम लेते हैं सिलेंडर। बेलन, बेलन के लिए जड़ता अवघनों की हम गणना करते हैं सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर क्या है? थ्री डायमेंशन बॉडी है। सिलेंडर या बेलन में लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों होता है। तो यहाँ पर हम आयतन निकालेंगे। बस इसी बात को आपको अप्रोच करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फिगर, फिगर के बाद आपको पूरा सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। सिलेंडर, देखो ये फिगर आप ध्यान से समझना। ये हमने एक बेलन ले लिया और बेलन के अंदर में हमको एक और बेलन लेना होता है। तो कॉन्सेंट्रिक बेलन होता है, इसको मैं इसके अंदर में ही बना रहा हूं। ये दो बेलन के अंदर एक और बेलन लेंगे। ये मैंने स्टार्टिंग से बना दिया और इसका जो एक्सिस होगा रोटेशनल एक्सिस, ये इसका रोटेशनल एक्सिस है। इस अक्ष के पैता हमको इसको क्या करना है? रोटेट कराना है। क्लियर? तो ये जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं ये क्या है? एक ठोस बेलन है। और उस बेलन के अंदर आप जो ब्लू कलर से देख रहे हैं वहाँ पर हमने एक बेलन का रिंग सपोज किया है, मतलब एक पतला बेलन सपोज किया है जो एक कटिंग करके हम वहाँ से निकाल रहे हैं। समझ लीजिए, यहाँ से आप, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये जो बड़ा बेलन है उसका रेडियस r है, लेकिन हमने यहाँ पर जो अंदर में बेलन सपोज किया है इसके हमने रेडियस को ले लिया सपोज x, ये x रेडियस है। और इसका यहाँ पर जो थिकनेस है वो थिकनेस को हमने dx ले लिया है। और बेलन के हाइट को यहाँ पर हमने लिया है h, h बेलन का हाइट है। इसका भी हाइट h रहेगा तो अंदर वाले बेलन का भी हाइट रहेगा। अब यहाँ पर वर्किंग स्टेप क्या होगा? इसके मास को हम कैपिटल में ले लिए, द्रव्यमान को पूरे बेलन का। तो हमारे यहाँ पर काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने भी किया था। जैसे अभी हमने इकाई क्षेत्रफल के लिए द्रव्यमान निकाला था तो यहाँ निकालेंगे इकाई आयतन के लिए। ठीक है, वर्किंग स्टेप सेम है। यदि आप एक बार स्टेप्स को पकड़ लिए तो आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेलन के इकाई आयतन, बेलन के इकाई आयतन का द्रव्यमान, इकाई का द्रव्यमान। क्लियर? तो इकाई आयतन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? टोटल उसका द्रव्यमान, टोटल मास अपान उसका आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और h, ये हो गया बेलन के इकाई आयतन का द्रव्यमान। बेलन के इकाई आयतन के द्रव्यमान के बाद हम क्या निकालेंगे? ये जो हमारे पास dx अल्पांश है उसका द्रव्यमान निकालेंगे। इसलिए dx अल्पांश का द्रव्यमान, इसका हम द्रव्यमान निकालें जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dm से। तो dm इक्वल टू हो जाएगा यह द्रव्यमान माने m अपान पाई आर स्क्वायर एच इंटू आयतन का गुणा कर देंगे किसका? अल्पांश dx का। तो अल्पांश dx का आयतन कितना होगा? देखो सबसे पहले इसकी लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? h है, चौड़ाई है dx, और यहाँ रिंग की परिधि। तो रिंग की परिधि को पहले लिख लूँ मैं, रिंग की परिधि 2πx। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये हो गया रिंग की परिधि। इसके बाद उसके उसमें मोटाई का मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा dx, और इसके बाद इसमें इसकी ऊंचाई का मल्टीप्लीकेशन होगा तो आयतन बनेगा ये h। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही होता है। देखो वहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे और यहाँ हमने क्या निकाला? आयतन निकाला।
तो काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, पहले इकाई के लिए निकालना, फिर अल्पांश के लिए निकालना, फिर अल्पांश के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ठीक है। अब हम निकालते हैं, इसलिए अल्पांश डीएक्स का जड़त्व आघूर्ण माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसे, डीआई से, तो डीआई इक्वल टू हो जाएगा डीएम इनटू इस अल्पांश का इस केंद्र से रोटेशनल एक्सिस से दूरी कितना लिया है एक्स, तो डीएम इनटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जड़त्व आघूर्ण के फार्मूला से, ठीक है। अब हम निकालेंगे, इसलिए संपूर्ण बेलन का ये यूनिक टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत कम स्टूडेंट्स के इसमें कमांड होता है, मुझे मालूम है, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो इसको अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि इसके कई कारण है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है कैलकुलेशन का, और सबसे बड़ी बात है समाकलन। तो संपूर्ण बेलन का, इसलिए मैं आपको आराम से इसको बता रहा हूँ, और आपको अच्छा कमांड हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। संपूर्ण बेलन का मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। अब यहाँ पर हम लिमिट का सिलेक्शन करते हैं, तो लिमिट कैसा होगा, लिमिट सेंटर से स्टार्ट करेंगे, कॉर्नर तक जाएंगे, तो लोअर लिमिट जीरो होगा, और अपर लिमिट रेडियस को कंप्लीट करेंगे तो बेलन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर जीरो टू आर, जैसे अभी लिया था चक्ती वाले में, उसी तरह से क्या होगा यहाँ पर जीरो टू आर इसका लिमिट होगा। अब डी आई का वैल्यू जो हम यहाँ पर निकाल के रखें उसको पुटअप कर देते हैं, यहाँ पर मुझे थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना था, चलो कर देता हूँ यहीं पर, ये पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एच के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसका वैल्यू को सिंप्लीफाई होने के बाद जिस फॉर्म में आया था यहाँ पर लिख रहा हूँ, डी एम का वैल्यू दैट इक्वल, ये होगा एम अपॉन टू एम ऊपर से, और अपॉन आर स्क्वायर, टू एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पर एक्स है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये डी एक्स बचेगा डी एक्स। तो यहाँ पर मैंने रेड इंक से उसको कैंसिल आउट करने के बाद जो बचा है उसको डी एम का वैल्यू के रूप में यहाँ पर पुटअप किया हूँ, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, ये डी एम का वैल्यू के फॉर्म में यहाँ पर पुटअप किया है, क्लियर। अब ये डी आई का वैल्यू को वहाँ पर पुटअप कर दें, टू एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू आर टू एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, बिल्कुल वैसे ही आया जैसे अभी आया था, दैट इक्वल, अब टू एम अपॉन आर स्क्वायर को हम बाहर कर लेते हैं, टू एम अपॉन आर स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया, तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर, अभी क्या है इसका, ये हो जाएगा जीरो टू आर दैट इक्वल, अब इसको सॉल्व करें तो टू टू इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन टू आर स्क्वायर, फोर को बाहर कर दिया, अब लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा आर टू द पावर फोर माइनस जीरो, देयर फोर आई इक्वल टू, इसका भी फार्मूला इतना ही आता है, डिस्क और बेलन का एक जैसा फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू, एक आर स्क्वायर इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, एम को लिखना भूल गया, ये एम, चलो यहाँ लिख दिया एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू एम आर स्क्वायर। ये होता है सिलेंडर का एक्सिस, इसके और एक्सिस हैं और बहुत से कंडीशंस हैं, लेकिन आप 11th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेन टॉपिक को। तो मैंने देखो आपने ध्यान दिया होगा कि चार टॉपिक पढ़ाया, जिसमें पहला रिंग था वो वन डायमेंशन था, उसमें हमने लंबाई का भाग दिया था, याद होगा। दूसरा क्या था, राड था, वो भी वन डायमेंशन था, उसमें भी हमने लंबाई का भाग दिया था। तीसरा मैंने आज पढ़ाया, वो क्या था, डिस्क, तो डिस्क का क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल का भाग दिया। और फोर्थ नंबर में जो हम टॉपिक पढ़े वो बेलन था, और बेलन का आयतन होता है, इसलिए हमने उसमें आयतन का भाग दिया। तो ये होता है बेलन का वन अपॉन टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ तक आप तैयार करिए, यहाँ पर मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद मैं आपको एक बार फिर याद दिला रहा हूँ कि आप 11th क्लास के पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमारे कंपटीशन पाथ मेकर के चैनल से देखिए, वहाँ पर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और साथ में चैप्टर का इम्पॉर्टेंट कलेक्शन स्टार्टिंग में दे रहा हूँ, उसका पीडीएफ भी दे रहा हूँ, तो एक बार वहाँ से आप पहले चैप्टर के मल्टीपल चॉइस को देखिए, फिर वन बाई वन आपको चैप्टर के मिलते जाएंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, थैंक यू।